नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलपी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, वर्तमान राजनीति का स्वरूप बिल्कुल ही बदल चुका है। आज राजनीति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इसे धर्म और राष्ट्रवाद का जैसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज के राजनेता धर्म और राष्ट्रवाद का नाम लेकर जनता को बरगला रहे हैं, दिलों में दरार पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे आपसी सौहार्द को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे बातों को दरकिनार कर आपसी सौहार्द को बचाए रखे हैं, संभाले रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल आसनसोल के बेजडी कोलोरी क्षेत्र की। तो आज लिए चलते हैं आप लोगों को बेजडी कोलेरी क्षेत्र, जहाँ पे कोलेरी के वर्कर्स और स्थानीय लोगों द्वारा मिलकर दुर्गा मंदिर परिसर में आज लगभग 50 वर्षों से कवाली का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके साथ ही सारे लोग मिलकर शेर शाह बाबा के मज़ार पे चादर पोशी भी करते हैं। तो आइए चलते हैं बेजडी कोलेरी क्षेत्र और बात करते हैं वहाँ के लोगों को, सुनते हैं उनके विचार, जानते हैं और भारतीय संस्कृति को काफ़ी नज़दीक से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे सरकार, ये बताएं सबसे पहले कि ये जो प्रोग्राम है, ये मतलब कितने सालों से हो रहा है यहाँ? ये 50 साल हो रहा है, 50 साल। 50 साल से? अच्छा, इस प्रोग्राम की कुछ खासियत के बारे में बताएं। खासियत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक मिलकर करते हैं, हम लोग करते हैं मजदूर है। हम लोग यहाँ का जो मजदूर है जी, मजदूर एक साथ मिलकर करते हैं, चंदा करता है कोलोरी से ही चंदा से हम लोग शेर साहब बाबा जी जो है ज़्यादा चढ़ाते हैं, ज़्यादा का कवाली का प्रोग्राम होता है। इसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है? इसमें लोग पब्लिक का उनसे मिलता है कि सब मिलकर भाईचारा से रहते हैं। एक तरह से मंदिर के कंपाउंड में इस तरह का प्रोग्राम कराना तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मैसेज है और एक हिंदू मुसलमान की एकता की बात है। हाँ, यही हम लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब खुशी के लिए? एक खुशी का है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ साथ में हैं। तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे? महीनों भर से तैयारी किया जाता है, चंदा हम लोग सभी एक यहाँ के जितना वर्कर एक साथ करता है, और दुर्गा पूजा, काली पूजा, शिवरात्रि, हनुमान। और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी कितनी सपोर्ट मिलती है? अब टोटल का सपोर्ट, अच्छा टोटल सपोर्ट, टोटल वर्कर, टोटल वालों, पूरा भरपूर मिलता है। हमारे बिजली वासियों को सहयोग मिलता है, आसपास के जो गांव है। और इस बार के प्रोग्राम में जो मतलब मेहमान आ रहे हैं, जो यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, उनके बारे में बताएं। मनोहर ताज वारसी कादरी एंड पार्टी गया, और हीना वारसी एंड पार्टी मुजफ्फरपुर। और दूर दूर से भी लोग आते हैं प्रोग्राम करने के लिए? दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, परवलिया, आसनसोल, बड़ाकर, कुमार डूबी, निरसा, सभी जगह से आते हैं। अच्छा, आप बताएं कि यहाँ कवाली हो रहा है, आपके अंदर कितनी उत्सुकता है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? उत्सुकता तो मोटा मोटी आज 50 साल से इस कवाली के हम समूह के रहते हैं। अच्छा, हर साल भाग भी लेते हैं जी। इस तरह कवाली में कोई तरह का आपस में मिलजुल के जिस तरह प्रोग्राम होना चाहिए उसी तरह हम लोग हर साल करते हैं। नाम क्या है आपका? बजरंगी प्रसाद। अच्छा, फिर से एक बार आपके पास आना चाहेंगे। ये बताइए कि फिर से वही सवाल, जो यहाँ जो सबसे खास चीज़ ये है कि एक मंदिर के कंपाउंड में एक कव्वाली का प्रोग्राम किया जा रहा है, और वाकई जो है ये देश को मजबूत करने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, तो ये जो मतलब चीज़ है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि मतलब इस जगह से अगर कराते हैं हम लोग प्रोग्राम तो इससे हिंदू मुस्लिम की एकता में मजबूती आएगा? हम यहाँ के मैसेज जाए कि हिंदू मुस्लिम हम लोग एक होकर अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग कव्वाली का प्रोग्राम कर रहे हैं एक साथ हिंदू मुस्लिम, मतलब कि लोगों का मनोरंजन भी हो और एक संदेश भी जाए कि मतलब हिंदू मुसलमान एक है और एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। अच्छा, आपका नाम जानना चाहेंगे? साबिर खान। साबिर जी, बताएं साबिर भाई, आज ये कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है तो साबिर भाई कैसा आपको लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी है, इस चीज़ तो हमेशा खुशी ही रहा और खुशी रहे, बरकरार रहे, इस चीज़ तो हम लोग हमेशा चाहेंगे और चाहते हैं और हमेशा खुशी रहता है हर प्रोग्राम को, चाहे कोई भी हो, चाहे कव्वाली का प्रोग्राम हो, चाहे कि रामनवमी हो या दुर्गा पूजा या काली पूजा हो, हर चीज़
इस प्रोग्राम को कराने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब किस तरह की चैलेंजेस जो है आती हैं, मतलब कैसे उसको फेस करते हैं आप? यहाँ पर चैलेंज नहीं होता है, मतलब हम लोग मिलजुल के ही सब करते हैं, चैलेंज की बात कोई चुनौती नहीं है, मतलब चुनौती नहीं है। यहाँ का जो पुलोरी का जो चंदा होता है, पर हम लोग का मेंबर यहाँ पर जो पुलोरी का जो मजदूर है उसे 5 पूजा का एक साथ ही चंदा करता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, शिवरात्रि, रामनवमी, हरिबोल, सबके साथ चंदा कट करके इस बार भाग हो जाता है कि अपने अपने जगह पर अपना पूजा कीजिए, दिवाली कीजिए, डिवाइड करके पूजा किया जाता है। अच्छा, एक बार आप किसी आप अपना आपसे नाम पूछना मैं भूल गया, आप एक अपना नाम बताइए और आप जिस ओहदे पे हैं आप वो भी बताएं ताकि इसका एक संदेश जाए। मेरा नाम दयाचंद नुनिया है। अच्छा, हम भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हैं और कवाली का ये सेक्रेटरी हम हैं। अच्छा, डिसरगा शेर शाह बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने के उपलक्ष्य में उनका शान में एक कवाली और चादर का बंदोबस्त इस कोलेरी से 16 आना के पैसा से किया जाता है। और आप लोग को सुन करके सबसे बड़ा खुशी होगी, देखते भी हैं आप लोग हर साल इस दुर्गा मंदिर में कवाली होता है, इस दुर्गा मंदिर में कव्वाली हो रहा है और जहाँ कव्वाली होता है वहाँ साधु जी का प्रवचन होता है, यही है भेज जी को ले। साधु जी भी कलाकार है, भी कलाकार है। हमारे बीच माँ दुर्गा के प्रांगण में आए हुए हैं, बड़ा सुंदर कव्वाली का प्रोग्राम अब प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए आप लोग जो दूर दूर में खड़े हैं आकर के बैठिए तब संगीत का मजा मिलेगा। कहाँ रुकेंगे, गीत तो हम सुनाते रहे रात भर, शर्त यह है कि तुम मुस्कुराते रहो। रसा को माइले परवाह करती हूँ।
और हम लोग कलाकार हैं।
आला बना दिया।
रखी हूँ ना कहने का इरादा जो कभी करती हूँ तो एक एक मिसरा मदीने से चला
किस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे बाबा से, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ के मुख्य अतिथि है। बाबा आप बताएं, यहाँ राम और रहीम इस बेस डी के प्रोग्राम में देखने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा माहौल हमने देखा है कि जहाँ राम भी मौजूद हैं और रहीम भी मौजूद है। रहीम राम की बात करता है और राम रहीम की बात करता है। बाबा बताइए इसके बारे में। ऐसा है, ये हमारे हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है और हिंदुस्तान में सभी धर्मों को स्वागत किया है, सम्मान किया है। और आज के दिन में जो बैडी कोलियरी में एक माँ दुर्गा का स्थान में कव्वाली का जो प्रोग्राम रखा गया, बड़ा सुंदर, बड़ा सराहनीय और एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई भाई, सबका मालिक एक है, इसलिए कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल करते हैं। और आए हुए 2019 में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, 2019 में इसी बैडी कोलियरी में श्री राम महायज्ञ हनुमान जी के मंदिर नवीन बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विशाल यज्ञ भी होगा। यहाँ के बुजुर्गों ने एकता बना के रखा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बड़ी सुंदर से कार्यक्रम होती है, ऐसा कार्यक्रम चलते रहे, प्रेम आपस में प्रेम भाई का प्रेम की स्थापना करते रहे और आपस में प्रेम बना करके रखना चाहिए। अभी जिस तरीके से हिंदुस्तान में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग करने की एक तस्वीर जो है भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए बीएसडी के लोगों ने एक बेहतरीन मिसाल जो है कायम की है कव्वाली के प्रोग्राम के ज़रिए से। इस प्रोग्राम के ज़रिए कितना मैसेज जाएगा लोगों तक, क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा इसके बारे में बताएं। इसमें बहुत सुंदर इसका संदेश जाएगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग संगीत के आनंद, कव्वाली का प्रोग्राम आनंद लेते हैं। ख़ास तौर से यहाँ का जो मुखिया जो है नेपाल चौधरी जी का देख रेख में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, पूर्व में पहले से ही पुराने लोग यहाँ जितने भी ACL कर्मचारी हैं, यहाँ का जितने भी पदाधिकारी हैं, मजदूर भाई हैं, यहाँ का जितने भी श्रमिक लोग हैं, सभी का सहयोग से ये कार्यक्रम होता है, इसका संदेश बढ़िया जाएगा। एकता का ही प्रतीक है कि एक जगह बैठ करके हम लोग संगीत का आनंद के साथ, ईश्वर से जुड़ा संगीत है, संगीत जोड़ ईश्वर का है ना, दोनों जुड़ करके, यानी कि संगीत जो है राम रहीम को जोड़ने का एक माध्यम है। हाँ, माध्यम है। हमारे जो सबसे मुख्य अतिथि कहा जाए और एक तरह से मेजबान भी कहा जाए, हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल चौधरी जी। जी बताएं, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, कितनी महत्व रखती है ये प्रोग्राम। देखिए, हम लोग का बीएसडी कोलेरी ऐसा एक जगह है कि यहाँ टोटल प्रोग्राम हम लोग का कोलेरी में होता है। कोलेरी के वर्कर एक चंदा देते हैं, चंदा में हम लोग का दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, कव्वाली, पीर बाबा का चंदा, रामनवमी, शिवरात्रि, छठ पूजा, हरि बोल, टोटल प्रोग्राम बीएसडी कोलेरी में होता है। हम लोग सब साथ में मिलकर हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। हम लोग का यहाँ जो कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, इसका सेक्रेटरी देखिए हम लोग का यहाँ दयाचंद नुनिया है, जानकी काकू है, मीर हमजा है, मतलब हम लोग सब प्रोग्राम में सब जना मिल के ये प्रोग्राम करते हैं। हम लोग का बराबर का शुरू से करते आया हुआ, आज भी हो रहा, आशा रख रहे हैं ये वातावरण रहेगा, हम लोग आगे चल के भी एकता बना के रखेंगे। बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी मंदिर परिसर में या किसी मस्जिद के परिसर में जो है इस तरह का प्रोग्राम हो, तो मतलब क्या ऐसा भी हुआ कि जैसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा या कुछ लोगों ने इसका ऐतराज़ किया हो? ना, यहाँ वो सब कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ हम लोग का बराबर जो अभी जहाँ कव्वाली हो रहा ये बराबर ही कव्वाली होता है और मोटा मोटी 50 साल से कव्वाली होते आ रहा है। हम लोग टोटल साथ में मिल के हिंदू मुस्लिम सब मिल के ये प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम से कितना मैसेज जाएगा, इस प्रोग्राम से कितना फ़ायदा होगा लोगों को, क्या सचमुच इससे हिंदुस्तान मजबूत होगा, इसके क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग बीएसडी में रहते हैं, बीएसडी से शुरू किए हैं, हम लोग बंगाल में रहते हैं, ठीक है, बंगाल सरकार का अंडर में है, यहाँ से हम लोग वातावरण आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये भी होता है कि सब साथ में मिल के रहेंगे तो कोई भी दंगा लगाने वाला आए यहाँ कोई सफल नहीं होगा, सब ही सब हम लोग जो एकता देख के वो सब विफल हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से बता दे रहे हैं कि सब मिल के एक साथ रह के प्रोग्राम किया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हम लोग सब मिल के एकता बनाए रखे, आगे चल के हम लोग ऐसे ही वातावरण रखा। शख्स और व्यक्ति कह सकते हैं जानकी साहब जो यहाँ मौजूद हैं और ये मतलब एक तरह से एक पूर्व संचालक भी रह चुके हैं कव्वाली कमेटी के, कव्वाली प्रोग्राम के, हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताएं कि इस प्रोग्राम
ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रोग्राम जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होते हैं। सर कितना फ़ायदा पहुंचेगा समाज को, कितना फ़ायदा पहुंचेगा देश को? आप इसी से सोच सकते हैं जो यहाँ कुछ नहीं तो 5000 मुस्लिम होगा और यहाँ चादर कमेटी और कमाली कमेटी का सेक्रेटरी एक तो हिंदू था और एक दो साल नहीं वर्षों गुजर गया, दो युग, एक युग मैंने 12 साल 24-25 साल हम चलाए और आज भी लोग इसे ही हमारा मदद लेते हैं और हम देते हैं। और दूसरा बात है जो बेस्ड एक तो एग्जाम्पल है आज का नहीं, यही दुर्गा मंदिर है, यहीं पर ही कवाली होते आया, हिंदू मुस्लिम का भी कोई यदि झगड़ा हुआ, घर का भी झगड़ा हुआ, वहाँ पर बैठ करके हम लोग फैसला दिए हैं, कोई पुलिस का दरकार नहीं पड़ा है, सब अपने में जो भी डिसीजन लिया सबको मान्य हुआ। ये कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, क्या इसके ज़रिए से देश को जोड़ा जा सकता है? क्या इसके ज़रिए से देश के अखंडता और एकता को बनाया जा सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, यह सांस्कृतिक प्रोग्राम है। हम लोग आज नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं कव्वाली, कोई बोलता है मुस्लिम का है, कोई हिंदू का है, कव्वाली एक कल्चरल प्रोग्राम है, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है और उसको धर्म के प्रतिपक्ष में नहीं लाना चाहिए। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, लेकिन है। हमारा बेजडी एक उसका उदाहरण है। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो इसको कुछ है, जी हाँ कुछ है, लेकिन ये एक अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से इसको अगर हम रखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा संदेश जाता है हमारा समाज में कि हमारा बेजडी एक उसका एग्जाम्पल है। हिंदू मुस्लिम जो भी हैं हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कव्वाली प्रोग्राम है, सेक्रेटरी हिंदू है, पहले भी थे हमारे माननीय जानकीदा, अभी भी है, तो ये कल्चरल प्रोग्राम है, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो दुर्गा मंदिर में हो रहा है या कहीं में हो रहा है ये नहीं। और ये प्रोग्राम का उद्घाटन भी यहाँ पर प्रोग्राम का स्टेज से हमारा 27 मई को एक महाजग होने वाला है बेजडी में, उसका उद्घाटन हमारे माननीय ये सीताराम दास जी किए हैं जी। ये छोटी बात नहीं है कि कव्वाली का प्रोग्राम का उद्घाटन वहीं से उद्घोष किए हैं कि एक 27 मई से महाजग होने वाला है बेजडी में, 9 दिन चलेगा। तो ये एक संदेश जाता है हमारा, एक संदेश जाता है कि हम लोग कितने प्रौढ़ रूप से हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखे हैं और इसमें कोई तरह का बेजडी में जो कव्वाली का प्रोग्राम हुआ है ये कितना बड़ा एक माइलस्टोन कह सकते हैं, समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर समझने वाला के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है और जिसका दिमाग ही विकृत है उसको समझाना क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बस ये समझने वाला के लिए है, बहुत बड़ा संदेश है कि हमारा दुर्गा मंदिर में कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, उसका उद्घोष हमारे माननीय सीताराम दास जी किए हैं, जग का उद्घोष से कव्वाली का प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आज में समुदाय में हमारे देश में किस तरह का होगा जो ये बेजडी में जो कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है और हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाली जो बात कही जा रही है, राम रहीम को एक मंच पे लाने वाली जो बात है, इससे कितना साबित हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है देश को? राम और क्या रहीम होगा समाज? राम और रहीम तो एक ही जगह से आए हैं जी, राम और रहीम को बांटने वाला हम और आप हैं, ऊपर से सब एक हैं, एक नंबर समझे, और यहाँ पर कोई भाद भेद नहीं है और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ हम लोग सब हिंदू मुसलमान सब मिलके कोई भी काम होता है हम लोग इसमें सबसे सजोड़ हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। एक आपका नाम भी है? मेरा नाम जमशेद खान। आपसे आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे जिससे समाज को फायदा होगा। धन्यवाद।